को स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम लोग उन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रैश कोर्स का वीडियो है। क्रैश कोर्स में हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग क्रैश कोर्स नहीं लिए हैं, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ से ले लीजिए। उसमें वैसे ही क्वेश्चन को डाला गया है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि सब सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने आज का जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि फाई बराबर इतना इनफाइनाइट सीरीज है, प्रूफ डैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स बटा में टू आई माइनस वन हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसमें ई वाला को हम लोग मान लेते हैं पूरा को वाई, यहाँ से यहाँ तक क्या मानते हैं वाई मान लेते हैं, इसको बेस समझ लीजिए कि पूरा बेस है, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लीजिए आप वाई मान लीजिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद क्योंकि देखिए पाँच नंबर में पाँच नंबर लेने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, प्रोसेस नहीं फॉलो कीजिएगा नंबर कट जाता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत मायने रखता है मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई बराबर अंडर रूट है टैन एक्स, और प्लस में हमारा फिर है अंडर रूट है टैन एक्स, और उसके बाद फिर है मेरा अंडर रूट है टैन एक्स, और इसी प्रकार से हमारा कहाँ तक चलते रहेगा, इसी प्रकार से मेरा इन्फिनिटिव तक चलता रहेगा। ठीक ना, तो पहले तो हम क्वेश्चन लिखें, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ले आपको y मानना है, तो इसमें लिखिएगा कि लेट लेट y बराबर अंडर रूट है टैन एक्स, और प्लस में फिर अंडर रूट है टैन एक्स, और प्लस में हम लिखेंगे डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक में। अब देखिए ये जो है इसको यहाँ इसके जगह आप माने हैं तो रख दीजिए वहाँ पर, तो इसलिए हम लोग लिखेगा इसलिए के साइन दीजिएगा, इसलिए ये सब जो साइन होता है लेट इसलिए ये सब के साइन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब प्रोसेस जो है ना इस पर नंबर मिलते हैं और नंबर कट भी जाते हैं नहीं लिखने पर। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए आपका हो जाएगा टैन एक्स, और प्लस में आपका यहाँ वाई, वाई क्यों भाई, क्योंकि देखिए इतना के बदले में हम लोग वाई मान लिए हैं, तो टैन एक्स तो रहेगा ही, इतना के बदले में वाई लिख दीजिए यहाँ पर, इधर टैन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इधर से हम लोग जब रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो इसको क्या लिखिएगा आप कि वाई स्क्वायर बराबर टैन एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो भी कीजिएगा लिखिएगा बढ़िया से, नहीं लिखने से भी कई बार आपके साथ घटना हो सकता है, घटना ये कि आपका नंबर कट जाएगा। चेक करने वाले जो टीचर होते हैं ना प्रोफेसर लोग, वो आपके नंबर काट लेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये लिखना है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इतना आया तो एक डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो उससे आपका कट जाएगा एक आध दो नंबर। तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ वाई, और फिर यहाँ मेरा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ टैन एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से, और प्लस मेरा यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू वाई होता है, तो वाई स्क्वायर का हम लोग क्या लिखेंगे टू वाई, और यहाँ मेरा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये मेरा टैन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को उठा के इधर लाएंगे तो मेरा टू वाई, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर मेरा क्या बचेगा बालक, इधर बचेगा सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। ये सब देखिए जो एरो हम देते चल रहे हैं, ये आपको भी एरो देते चलना है, क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में है, और इक्वेशन के फॉर्म में होता है तो एरो देना ज़रूरी होता है। इक्वेशन के फॉर्म करने का मतलब कि बीच में कहीं बराबर के साइन होता है और दोनों तरफ संख्याएँ होती है, तो इक्वेशन के फॉर्म होता है, और इसमें एरो देना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा टू वाई माइनस वन बचेगा, और यहाँ आपका सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। इसलिए हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, और बटा में
यहाँ 2y-1, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। हमारा देखिए प्रूफ्ड हो गया। तो जो भी हम लिख रहे हैं आपके लिए, एरो का साइन दे रहे हैं, कहाँ इसलिए देना है, कहाँ चुकी देना है, ये सब पर बहुत ध्यान देना रहता है। कहाँ पर एक कोमा देना है, जैसे इतना आप लिखे थे, कोमा दे के लिखा जाता है प्रूफ्ड। ये सब छोटा छोटा बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा ना, तो फिर बाद में मत कहिएगा सर आप बताए थे, हम लिखबो किए हैं, हम 100 में 100 बना के आए थे एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी हमारा नहीं आया। वही सब बालक कहता है, जो बालक जिसे पूरा प्रोसेस फॉलो करके नहीं बनाता है, इसीलिए चूँकि कहाँ क्या देना है, तो ओकरे सबके शिकायत रहता है कि हमार सर 100 में बनाए थे, हमार 100 में 100 आया नहीं। तो शिकायत मत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। काम करने से शिकायतें दूर हो जाती है और जीवन शानदार हो जाता है। ये बात का ध्यान रखिए। देखिए इसको बनाना है कि डिफ्रेंशिएट इतना विथ रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स एक्स, मतलब इतना का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है टैन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं, इसमें क्या मानते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। लेट यू बराबर टैन इनवर्स, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 + x² - 1, और बटा में मेरा यहाँ एक्स हो जाएगा, एंड भी बराबर टैन इनवर्स एक्स, भी बराबर टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यू को लेके चलते हैं, हम लोग यू को लेके चलेंगे, लेकिन यू को लेके चलने से पहले इसमें हम लोग मान लेते हैं, नहीं भी मानिएगा तो काम हो जाता है। कैसे काम हो जाता है, चलिए इसमें हम क्या करते हैं, नहीं मानते हैं एक्स बराबर। काहे नहीं मानते हैं, उसका हम रीज़न आपको बताते हैं। जो हमारा यू भी बराबर इतना है ना, तो टैन इनवर्स को एन लाइए, तो टैन इनवर्स एन आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टैन भी बराबर, टैन भी बराबर मेरा एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसी का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम टैन भी रख देंगे, किस में, जो यू बराबर है उसमें। तो इसी को हम ले कर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे यू बराबर, यू बराबर देखिए टैन इनवर्स, टैन इनवर्स हमको एक्स की जगह टैन भी रखना है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 + tan² भी हो जाएगा, -1 और डिवाइडेड बाय मेरा यहाँ टैन भी हो जाएगा। हम क्या किए हैं कि जैसे एक्स की जगह पर टैन भी पुट कर रहे हैं, काहे पुट कर रहे हैं, उसका कारण आगे हम आपको समझाएंगे, अभी केवल इसको फॉलो करते चलिए। देखिए इसके बाद क्या होगा, u बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ 1 + tan² है, तो 1 + tan² के sec स्क्वायर होगा, और sec स्क्वायर का हमारा निकल जाएगा sec भी निकल जाएगा, तो यहाँ sec भी -1, और बटा में मेरा नीचे क्या है, tan भी है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि tan इनवर्स को तो छोड़ देंगे ऐसे ही, और जो sec है इसको हम लिखेंगे 1 / cos भी लिखेंगे यहाँ पर, और -1, और यहाँ देखिए tan भी को लिखेंगे sin भी, और बटा में मेरा यहाँ cos भी हो जाएगा। इसके बाद आपको LCM लेना है, LCM लेके यहाँ लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर यही हम लिख दे रहे हैं एक लाइन थोड़ा, यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स, tan इनवर्स LCM लीजिएगा तो 1 - cos भी, और बटा में मेरा यहाँ हो जाएगा cos भी, और नीचे मेरा क्या है यहाँ पर sin भी, और बटा में मेरा क्या है यहाँ पर cos भी है। तो इतना हम लिख देंगे, नहीं समझे, जैसे LCM लीजिएगा तो ये हो जाएगा cos भी है, यहाँ -1 है आपका, 1 - cos भी बटा में cos भी, देखिए इसमें कट रहा है, cos भी से हमारा cos भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में मेरा बचेगा 1 - cos भी, और नीचे में बचेगा मेरा sin भी बचेगा। ठीक है, यहाँ एरो का इस्तेमाल कर दीजिएगा, तो हमारा u बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स है ना, वो आपका कट गया है, तो 1 - cos भी बच रहा है ऊपर में, तो लिखेंगे हम लोग 1 - cos भी, और नीचे में हमारा क्या है बालक, नीचे में हमारा है sin भी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको फार्मूला का इस्तेमाल करना है, कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि 1 - cos भी बराबर होता है 2 sin² v/2, जो कि आप लोग जानते हैं 1 - cos θ का, तो हम लिखेंगे 2 sin² v/2 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर sin भी के जगह पर लिख देंगे हम लोग 2 sin v/2, और इनटू में मेरा यहाँ हो जाएगा cos v/2।
टू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा। यहाँ देखिए हमारा दो से दो कट रहा है और एगो साइन से हम लोग एगो साइन काट देंगे यहाँ पर, तो यू बराबर आपका क्या बचेगा यहाँ पर, यू बराबर मेरा बचेगा यहाँ टैन इनवर्स, टैन इनवर्स यहाँ हो जाएगा साइन वी बाई टू, साइन वी बाई टू और बटा में मेरा हो जाएगा यहाँ पर कोस वी बाई टू हो जाएगा। अब हम लोग साइन वी बाई टू और कोस भाई क्या जानते हैं हम लोग, टैन वी बाई टू लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे टैन इनवर्स यहाँ टैन वी बाई टू लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए टैन इनवर्स टैन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आयरो जरूर दीजिएगा, ठीक ना। तो यू बराबर मेरा हो जाएगा वी बाई दो हो जाएगा। इसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे वी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखिएगा कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वी, यहाँ पर वी के रिस्पेक्ट में करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स और यहाँ हमारा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वी हो जाएगा। वी के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा देखिए लिखाएगा डी यू बाई डी वी और यहाँ मेरा वन बाई टू बाहर निकल जाएगा और यहाँ मेरा हो जाएगा डी वी बाई डी वी हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा डी यू बाई डी वी और यहाँ वन बाई टू और डी वी बाई डी वी का वैल्यू वन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि आपको यू का डिफ्रेंशिएशन करना था वी के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन में जिसको हम लोग यू माने थे उसका डिफ्रेंशिएशन करना था वी के रिस्पेक्ट में, तो यू के जगह पर उसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा लास्ट में, लास्ट में आपको लिखना चाहिए यहाँ पर। इससे क्या होता है ना, इम्प्रेशन बनता है क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन में यू और वी तो थे ही नहीं, यू वी तो हम लोग माने हैं, तो यू के जगह यू का मान रख दीजिए या वी के जगह वी का मान रख दीजिए। हैं से यहाँ यू के जगह देखिए हमारा क्या था, टैन इनवर्स, टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन और बटा में यहाँ एक्स था मेरा, ठीक ना, कितना था मेरा। और वी की जगह हम लोग किसको माने थे, तो वी की जगह हम लोग माने थे टैन इनवर्स एक्स माने थे, ठीक है। और ये मेरा बराबर में कितना है, वन बटा दो आया है। तो क्वेश्चन में आपका यही कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि डिफ्रेंशिएट टैन इनवर्स इतना अब विथ रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स एक्स कहा था, तो उसके अनुसार लिखना पड़ेगा आपको। तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहीं तक ले बना के छोड़ देते हैं, इतना बना देते हैं और डी यू बाई डी वी बराबर इतना लिख के छोड़ देते हैं, जबकि सरासर दम गलती है। गलती काहे है, कैसी, आपको यू का डिफ्रेंशिएशन वी के रिस्पेक्ट में करने के लिए नहीं कहा था, आपसे कहा गया था क्वेश्चन में कि टैन इनवर्स इतना का डिफ्रेंशिएशन कीजिए लेकिन टैन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए। तो इतना के डिफ्रेंशिएशन टैन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में आपको दिखाना पड़ेगा कि वन बाई टू के बराबर आया। यदि आप ई लाइन नहीं लिखते हैं तो समझिए कि आप कॉपी चेक करने वाले को एक नंबर या दो नंबर काटने के लिए बाध्य कर रहे हैं, वो देखते ही काट लेगा। जब जाइएगा कि रीचेक हमर कर दीजिए तो दिखाएगा कि देखो देखो गलती है तुम्हारा यहाँ पर। अभी सब छोटा छोटा बात के ध्यान रखना बहुत जरूरी है बालक, ठीक ना, नहीं तो नंबर आपका बराबर करते रहेगा एग्ज़ाम में और आप बराबर जो है आपका मनोबल डाउन होते चल जाएगा। तो थोड़ा सा सुधार कीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर ही कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स इतना और विथ रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स इतना, तो यहाँ आप एगो के यू मानिए एगो के भी मानिए आप बना दीजिए, लेकिन ये बात के ध्यान रखिएगा कि लास्ट में आपको लिखना है, सारा प्रोसेस लिखिए, नहीं तो जानते हैं खाली बनावे से नहीं होता है, आप प्रोसेस सही फॉलो किए हैं कि नहीं वो भी तो देखा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले कि लेट यू बराबर साइन इनवर्स यहाँ 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि वी बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बालक। अब देखिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं जिसे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एकर होता है आपका, एकर होता है कितना, चलिए रुकिए पहले हम एक लेके चलते हैं, इसी को पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर लिखिए मानने के बाद यहाँ देखिए नाव लिखिएगा, नाव लिख के चलिएगा, लेकिन नाव
u बराबर हमारा क्या है साइन इनवर्स 2x और बटा में हमारा 1+x² है। जैसे ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप कुछ मान लेते हैं दो चीज़ को और उसमें से किसी एक को लेके चलते हैं तो यह नाव लिख के चल लेकर किया जाता है कि अब ठीक ना। तो यहाँ पर u बराबर हम इसको लेके चल रहे हैं तो इसमें देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x/1+x² किसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला आपका होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे du/dx तो दो हमारा बाहर निकल जाएगा और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा du/dx बराबर हमारा हो जाएगा 2 × 1/1+x² होता है। ठीक है तो यहाँ देखिए आपका du/dx बराबर क्या हो गया, तो du/dx बराबर आपका यहाँ पर हो गया du/dx बराबर मेरा बचेगा 2 × 1+x² बचेगा। यहाँ पर जहाँ हम डिफ्रेंसिएशन करना शुरू किए हैं यहाँ पर एरो देना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में जब भी होता है तो एरो देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए हम लोग लेके चलेंगे इसमें भी वाला लेके चलेंगे, जो हम लोग भी जिसको माने थे तो उसको हम भी वाला लेके चलेंगे, तो देखिए भी वाला लेके हम चल रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा जाता है उसके बाद अगेन इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोबारा लेके चल रहे हैं, हिंदी में उसको लिखा जाता है पुनः, हिंदी वाले विद्यार्थी पुनः लिखेंगे मतलब दोबारा। भी बराबर हमारा क्या है कोस इनवर्स 1 − x² / 1+x². अब देखिए ये हम लोग जानते हैं कि कोस इनवर्स से 1 − x² / 1+x² ये किसके बराबर होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, ये भी तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं लिखिएगा तो आपकी गलती होगी, नंबर कटेगा वो भी आप ही की गलती होगी, चेक करे वाला तो निर्दोष है, उसको हाथ में कॉपी मिल गया वो खरा खर दम चेक करते चल जाएगा, नंबर कटेगा आपका, हाथ चलेगा कोई आओ के नंबर जाएगा आपका, समझें। तो ये आपका यहाँ से दे दीजिएगा एरो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dv/dx तो हमारा हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1+x² तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा dv/dx बराबर हम लोग को हो जाएगा 2/1+x² हो जाएगा। अब देखिए हम लोग के du/dx भी निकल गया dv/dx भी निकल गया लेकिन वास्तव में हम लोग के डिफरेंशिएशन करना था u का किसके रिस्पेक्ट में, v के, u जिसको माने हैं उसका डिफरेंशिएशन करना था किसके रिस्पेक्ट में, अब जिसको v माने हैं उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिखिएगा कि इसलिए हम लोग जानते हैं फार्मूला पहले से, इसलिए जो जानते हैं उसको चूँकि से लिखा जाता है, नया बात को इसलिए से लिखा जाता है। तो यहाँ चूँकि du/dv बराबर फार्मूला होता है du/dx और बटा में मेरा dv/dx होता है। अब देखिए यहाँ आप रख दीजिए उसका मान du/dv, यहाँ du/dx का मान हम निकाले थे 2/1+x² और dv/dx का मान भी उतने था 2/1+x² ऊपर नीचे सेम है तो काट दीजिए तो मेरा क्या बचा, वन बचा कि नहीं, बिल्कुल वन बचा है। तो यहाँ देखिए मेरा हो जाएगा du/dv बराबर में 1 लेकिन देखिए u का डिफरेंशिएशन तो करने के लिए कहाँ ही नहीं था ना ही v के रिस्पेक्ट में, u आप जिसको माने थे उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया था किसके रिस्पेक्ट में, जिसको आप v माने उसके रिस्पेक्ट में, तो u के जगह पर u का मान रख दीजिए और v के जगह पर v का मान रख दीजिए तब जाके परफेक्ट आंसर होगा, नहीं तो आंसर अधूरा माना जाएगा, समझ लीजिएगा इस बात के। तो हेंस u के जगह हम लोग क्या माने थे, u के जगह हम लोग माने थे कि साइन इनवर्स 2x और बटा में 1+x² माने थे हम लोग, ठीक है।
और हम लोग भी किसको माने थे, तो भी हम लोग माने थे यहाँ कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में देखिए मेरा कितना आया है, वन आया है। ये आपका दम एक्यूरेट सही आंसर हुआ है। ऐसे बना के लिख दीजिएगा ना, कहते रहे कि एक नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर का आधा नंबर कोई काटे की हिम्मत नहीं है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट जैसे कहा था हम वैसे बनाए हैं। क्वेश्चन में कहा था कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x बटा इतना और विथ रेस्पेक्ट टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जैसे कहा था हम दम वैसे लिखे हैं सेम टू सेम। तो अब बताइए नंबर काटेगा। आप लोग का गलती करते हैं कि डी यू बाई डी भी निकाल के ये छोड़ देते हैं, चल गया हाई लाइन तब लिखे नहीं मेन चीज़, तो कटना तो स्वाभाविक है और जो काटता है उसका कोई दोस्त नहीं है। आप लोग लिखबे किए हो ऐसे ही तो काटेगा नहीं, और फिर बाद में कहिएगा कि मास्टर साहब कॉपियर ठीक से नहीं चेक किए थे। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ भी फिर एगो आया, तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी बनाए थे दम जस के तस, ये भी उसी टाइप से बनेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख के दे देंगे डैश, और यहाँ लिखेंगे आपकी लेट यू बराबर क्या लिखेंगे बालक, टैन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये हमारा हो जाएगा v बराबर साइन इनवर्स 2x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग ए वो कोई के लेके चलते हैं, यहाँ लिखेंगे कि नाव, और नाव लेके ए वो लेके चलेंगे, तो u बराबर हम लेके चलते हैं टैन इनवर्स 2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 टैन इनवर्स सॉरी टैन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर केकर फार्मूला होता है, तो ये होता है 2 टैन इनवर्स x के होता है, 2 टैन इनवर्स x के होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे u बराबर 2 टैन इनवर्स x लिख देंगे, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, इसमें कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, और किसके रिस्पेक्ट में बालक, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हिंदी होता है दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स, और इधर हमारा हो जाएगा दो कांस्टेंट है बाहर लिखाएगा, और यहाँ मेरा टैन इनवर्स एक्स से और डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बाद मेरा हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि डी यू बाय डी एक्स बराबर में, ये हमारा दो तो बाहर रहेगा, टैन इनवर्स एक्स का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा यहाँ डी यू बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलेंगे जिसको हम लोग भी माने थे वहाँ पर चलेंगे, भी हम लोग किसको माने थे, भी माने हुए साइन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तब हम लोग इसको लेके चलेंगे भी वाला को, ठीक है। तब भी वाला हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा कि अगेन, अगेन मतलब पुनः दोबारा ये काम हम लोग कर रहे हैं ना, तो हमारा भी बराबर क्या है बालक, साइन इनवर्स 2x और बटा में हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पर इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या, 2 टैन इनवर्स x, तो इसको रख दीजिए, तो रखिएगा तो आपका हो जाएगा 2 टैन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, 2 टैन इनवर्स x। यहाँ पर आप एरो दे सकते हैं, तो भी बराबर अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर लेकिन लिखना है कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिखिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जब आप कीजिएगा डिफरेंशिएट, तो ये मेरा हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ दो बाहर हो जाएगा, और यहाँ मेरा हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताइए टैन इनवर्स का कितना होता है,
टेन इनवर्स का मेरा होता है 2 बटा 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो मेरा क्या हो जाएगा बालक, यहाँ डी वी बाई डी एक्स बराबर मेरा हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे अपना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो हमको कह रहा था, तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि डी यू बाई डी वी बराबर में क्या होता है, यहाँ डी यू बाई डी एक्स और बटा में हमारा हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू मेरा कितना था, 2 बटा 1 प्लस x स्क्वायर है, और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, 2 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, तो ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा। लेकिन u आप किसको माने थे, तो u जिसको माने थे u के जगह पर रखिए यहाँ पर, तो हम लोग का देखिए आया कितना है, यहाँ पर मेरा डी यू बाई डी वी बराबर 1 आया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हम लोग को u जिसको माने थे u के जगह उसका मान रखिए, v जिसको माने थे उसका मान रखिए, तो यहाँ लिखिएगा अब हेंस करके, हेंस का मतलब होता अतः, हेंस u हम लोग माने थे tan inverse 2x और बटा में 1 माइनस x स्क्वायर को माने थे, ठीक है, और हम लोग इसको क्या माने थे, v को माने थे हम लोग साइन इनवर्स है, और यहाँ 2x और बटा में हमारा 1 प्लस x स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिख देंगे बराबर मेरा कितना आया, बराबर में 1 आया है, हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू इतना, तो उस फॉर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा बालक, नहीं तो नंबर कटेगी तो इसकी जिम्मेवारी हम नहीं हैं, हम आपको केवल तरीका बता सकते हैं, अप्लाई आपको करना है, ठीक ना, हम केवल मार्गदर्शन करेंगे, चलना इस रास्ते पर आप ही हैं, फिर बाद में शिकवा शिकायत वाला बात नहीं कि सर आप बताए नहीं थे, हम किए नहीं थे, ये सब नहीं हुआ काम, हम बता दिए आपको सही तरीका, ऐसे बना के आइएगा पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, एको नंबर नहीं कटेगा, ये हमारी गारंटी है, लेकिन प्रोसेस दम फुल होना चाहिए, यानी राइटिंग साफ होना चाहिए, मच्छर के टांग वाला नहीं। अब चलिए इसको बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसमें मान लीजिए सॉल्यूशन लिख के, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, और इसको हम लोग मान लेंगे लेट हमारा यहाँ पर ही हो जाएगा टैन यू बराबर, पहले मानेंगे लेट यू बराबर क्या मानेंगे यू बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स, और यहाँ हमारा हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और माइनस √1 माइनस x स्क्वायर, नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग को भी मानना है, भी हम लोग किसको मानेंगे, तो भी हम लोग उसको मानेंगे, एंड यहाँ कर दीजिएगा एंड भी बराबर ऐसा मान लीजिए कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भी बराबर हम माने हैं यहाँ पर ही, तो इसे कोस इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कोस भी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोस भी बराबर का हो गया बालक एक्स स्क्वायर हो गया, इसका मतलब जानते हैं जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पर आप कोस भी रख दीजिएगा, इसमें हम लोग के काम हो जाएगा। तो चलिए हम पहले इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं कि नाउ मतलब अब हमारा u बराबर क्या है, टैन इनवर्स ब्रैकेट में हमारा है √1 प्लस x स्क्वायर और माइनस √1 माइनस x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारा है √1 प्लस x स्क्वायर और प्लस √1 माइनस x स्क्वायर है कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह कोस भी पुट करेंगे इसमें जो यू बराबर है उसमें, ठीक है, तो चलिए हम इसमें पुट करते हैं, इसके जगह पर भी कोस भी लिखते हैं, तो यू बराबर मेरा हो जाएगा टैन इनवर्स और यहाँ पर लिखिए कि 1 प्लस मेरा कोस भी होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर था ये उसमें, माइनस यहाँ पर 1 माइनस कोस भी
और नीचे में हमारा हो जाएगा 1 cos भी यहाँ पर, और यहाँ हमारा हो जाएगा 1 cos भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी बालक को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे कि आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, थोड़ा यहाँ एरो देते चलिएगा साथ में, क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में है ना। तो u बराबर ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 cos भी का फार्मूला होता है 2 cos² भी बाई टू, और 1 cos भी का होता है 2 sin² भी बाई टू। तो इसको लिखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 cos² भी बाई टू, और यहाँ हमारा हो जाएगा 2 sin² भी बाई टू, और यहाँ देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा फिर वही बात 2 cos² भी बाई टू, और यहाँ मेरा हो जाएगा प्लस में कि 2 sin² भी बाई टू, 2 sin² भी बाई टू हो जाएगा। यहाँ तक में किसी बालक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब फार्मूला है 1 cos भी या 1 cos भी का। इसके बाद देखिए हम लोग लेके चलेंगे यहाँ से u बराबर। अभी तो सबसे पहले देखिए यहाँ u बराबर लेके चलिए अभी आप, तो यहाँ हमारा tan इनवर्स है। देखिए इसमें दो काम हम एक के साथ इतनी करना चाहते हैं, जैसे इसमें कोस स्क्वायर के कोस निकल जाएगा, रूट टू एकरों में कॉमन है, तो रूट टू हम ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर में बचेगा मेरा कोस भी बाई टू, और यहाँ बचेगा साइन भी बाई टू बचेगा। नीचे में भी आप एक कॉमन ले लीजिए, कितना रूट टू कॉमन ले लीजिए, तो ये मेरा हो जाएगा कोस भी बाई टू, और ये हमारा हो जाएगा साइन भी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा पक्का, क्योंकि रूट टू तो आपका कॉमन लिया गया है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यू बराबर, देखिए टैन इनवर्स, तो ध्यान देना है रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा मेरा कोस भी बाई टू, और माइनस में मेरा यहाँ साइन भी बाई टू, और नीचे में क्या होगा बालक यहाँ कोस भी बाई टू, और प्लस में हमार साइन भी बाई टू हो जाएगा। अभी भी मेरा काम नहीं फट आया है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंश और हर में कोस भी से भाग करते हैं, इसको लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस भी बाई टू। तो दोनों इसके अंश और हर में कोस भी बाई टू से क्या करते हैं हम लोग भाग देते हैं। तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिखिएगा अंश और हर में कोस भी बाई टू से भाग देने पर, इंग्लिश में लिखिए ऑन डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस भी बाई टू। तो लिखते हैं यहाँ पर कि ऑन डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस भी बाई टू। तो कोस भी बाई टू से जब भाग दीजिएगा इसमें, तो देखिए आपका आ जाएगा यू बराबर, यहाँ हमारा आ जाएगा टैन इनवर्स कोस भी बाई टू में कोस भी बाई टू से भाग देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और साइन भी बाई टू में कोस से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टैन भी बाई टू हो जाएगा, और नीचे में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ मेरा हो जाएगा टैन भी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फार्मूला पर लिखाएगा, 1 की जगह हम लिखेंगे टैन पाई बाई 4, जो कि हमेशा से लिखते आ रहे हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आप 1 की जगह पर लिखेंगे टैन पाई बाई 4, तो हम लोग लिखेंगे इसमें टैन इनवर्स है, 1 की जगह मेरा लिखाएगा टैन पाई बाई 4 माइनस टैन भी बाई 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन पाई बाई 4 इन टू में मेरा हो जाएगा टैन भी बाई 2। ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं हुआ है, खाली 1 के जगह टैन पाई बाई 4 लिख दिए हैं, क्योंकि टैन पाई पर 1 होता है वैल्यू, तो इसलिए लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा लिखने से हमको एक फार्मूला मिल गया, फार्मूला कौन सी, अंदर में देखिए टैन ए माइनस टैन बी बटा में 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, किसका फार्मूला होता है, तो कहिएगा सर टैन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो चलिए लिखिए अंदर में मेरा हो जाएगा टैन ए की जगह मेरा क्या है पाई बाई 4,
और बी के जगह मेरा वी बाई टू है तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर टैन इनवर्स टैन कैंसिल हो जाएगा बाई प्रॉपर्टी, तो मेरे पास यू बराबर क्या बचेगा, यू बराबर बचेगा पाई बटा फोर और माइनस में मेरा वी बटा टू बचेगा। इसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो वी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू भी लिखना है, एक्स नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी ये सब लाइन नहीं लिखते हैं, इसी वजह से उनका नंबर कट जाता है, समझ गए हैं? आप लोग लिखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, दम हम गारंटी दे रहे हैं, खाली प्रोसेस से लिखते चलिएगा। यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू भी और यहाँ मेरा हो जाएगा वन बटा टू, बाहर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ डी वी बाई डी वी हो जाएगा। यह देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा हम लोग पाई बाई फोर का डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा, क्योंकि पाई बाई फोर आपका कॉन्स्टेंट है, तो मेरा हो जाएगा डी यू बाई डी वी बराबर में यहाँ इसका जीरो और यहाँ वन बटा टू और गुना में यहाँ वन हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप यू किसको माने थे, तो यू जिसको माने थे यू की जगह आप उसको रखिए, आज जिसको भी माने थे तो भी की जगह उसको रखना बहुत ज़रूरी है, समझ गए हैं? तो ये हमारा हो जाएगा डी यू बाई डी भी बराबर में माइनस वन बाई टू। तो इसमें सब पुट करना पड़ता है, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ता है कि हेंस यू किसको माने हैं भाई, तो यू जिसको माने उसके जगह पर रखिए टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में हमार है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए। ये हमार यू के मान हुआ, क्योंकि हम लोग के इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना था, वो भी किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, तो हमको निकालना था भी किसको माने हैं, तो भी माने हम लोग कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर को, तो इसके रिस्पेक्ट में करना था। बराबर में कितना आया है, माइनस वन बाई टू आया। बात आपको कुछ समझ में आई? क्वेश्चन में कभी कहा है कि यू का डिफरेंशिएशन भी के रिस्पेक्ट में कीजिए? क्वेश्चन में कहा था कि टैन इनवर्स इतना का डिफरेंशिएशन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो लास्ट में आपको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके नंबर बराबर काटे जाएंगे और उसके दोषी आप ही होंगे। अब ये हुआ कंप्लीट आंसर, इसमें अब कोई दाग नहीं लगा सकता है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बालकों।